गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. यस स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. ओके, लेट्स स्टार्ट रिवीजन. पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, द बॉडी ऑर्गन्स डेट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कोल्ड. वो बॉडी ऑर्गन जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते, दैट आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल मीन्स जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते. सेकंड, फ्लैट टीथ आर इन द डैश ऑफ द माउथ. फ्लैट टीथ कहाँ पर होते हैं माउथ में? फ्रंट में, सबसे आगे जो होते हैं, दैट आर फ्लैट टीथ. फ्रंट, FRONT, फ्लैट टीथ आर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. टंग इज यूज फॉर, टंग किस लिए यूज होती है? स्पीकिंग, बोलने के लिए, एंड टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए. ओके, टंग इज यूज फॉर स्पीकिंग एंड टेस्टिंग. नंबर 4, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय. सलाइवा किससे निकलता है, किससे सिक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. नंबर 5, फ्लाइज कैन ट्रांसफर डैश टू अनकवर्ड फूड. फ्लाइज, मक्खियां. अनकवर्ड फूड मीन्स बिना ढका हुआ फूड, बिना ढका हुआ भोजन. तो फ्लाइज किस चीज को ट्रांसफर करती है? जर्म्स को. GERMS, फ्लाइज कैन ट्रांसफर जर्म्स टू अनकवर्ड फूड. ओके, दिस इज कंप्लीट योर फिल इन द ब्लैंक्स. एंड नाउ मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ. इट इज मैच्ड विद हाउ मेनी मिल्क टीथ? 20. मिल्क टीथ इज मैच्ड विद 20. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32. रेक्टम के अंदर क्या होता है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड. जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो कलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना डाइजेस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज द टीथ यूज टू टीयर फूड इंटू पीसेस. कौन से टीथ होते हैं जो फूड को टीयर करने के लिए यूज होते हैं? यस, टीयर करने के लिए कैनाइंस आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड. रियाज मदर इज 32 ईयर्स ओल्ड. रिया की मदर 32 ईयर्स की है. देन हाउ मैनी टीथ? तो उनके टीथ कितने होंगे? 32 परमानेंट टीथ. ओके, क्योंकि जब मदर मीन्स बड़े हो जाते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32. द ऑर्गन विच सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस कौन सा ऑर्गन सिक्रेट्स करता है? दैट इज लीवर. द फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द. फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट. बेटा कंप्लीटली, तो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और पार्शली डाइजेस्टेड कहाँ पे होता है? पार्शली डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर. ओके, एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज An 8-year-old child is likely to have 8 year. 8 साल का बच्चा है तो 8-year-old child के तिथ कैसे होंगे? कुछ तिथ उसके temporary होंगे और कुछ उसके
परमानेंट होंगे, ओके, बिकॉज जो तीर्थ टूट जाते हैं तो उनकी जगह परमानेंट तीर्थ आ जाते हैं, और जो तीर्थ नहीं टूटते वो टेम्परेरी रहते हैं। तो 8 ईयर चाइल्ड के कैसे तीर्थ होंगे? बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट, बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट। सो स्टूडेंट्स, विद दिस बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज कम्प्लीट। ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न इट। ओके, थैंक यू।